नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे सेकंड T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है जिम्बाब्वे वर्सेज इंडिया के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 7 जुलाई को खेले जाने वाला है। 4:30 पर मैच स्टार्ट होगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे जिम्बाब्वे की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच की हमारी फैंटेसी टीम किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी वॉइस कैप्टन होना चाहिए, इंडिया की तरफ से दोस्तों शुभमन गिल को CVC ट्राई करके चलें या फिर गायकवाड़ इंपोर्टेंट है या फिर अभिषेक के साथ कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, कितने बैटिंग ऑर्डर आज के मैच में इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि रिसेंट में पहला T20 मुकाबला इंडिया की टीम हार के आ रही है और आज के मैच में दोस्तों ये टीम परफॉर्मेंस करेगी या फिर से यहां से जिम्बाब्वे की टीम मैच को विन करके जाएगी, किस प्रकार से हम यूनिक ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किस प्रकार से हमारी मिनी ग्रैंड लीग टीम होनी चाहिए, कितने ट्रंप प्लेयर आज के मैच में दोनों टीमों से देखने को मिलेंगे, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखते चलना, सिंपल सा एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। जो भी नए भाई जुड़ते हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं करके रखा वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल फैंटेसी टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक मिल रही है। बाकी दोस्तों, पहले T20 मैच में हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया है और यहां से जो भी मैंने आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की चॉइस बताई थी, मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर ही रवि बिश्नोई को कैप्टन ट्राई करके दिया था, और आज के मैच में भी कुछ उसी प्रकार से हम मैच को कवर करेंगे। उससे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पिच यहां से बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 42 T20 मुकाबले खेले गए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 24 मुकाबले जीते हैं, 18 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने इस पिच पर विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर 154 के करीब देखने को मिल सकता है, यानी कि बहुत ही कम एवरेज स्कोर है। यहां पर बॉलिंग ऑर्डर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे ज्यादा स्कोर इस पिच पर किया था 229 रन का, और सबसे कम स्कोर जिम्बाब्वे का है ओनली 99 रन पे 9 विकेट। उसके साथ बॉलिंग की बात करें, लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए थे उसमें पेसर्स को 41 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 30 विकेट मिली है, यानी कि पेसर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, प्लस में स्पिनर्स रीसेंट वाले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। उसके साथ स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे 20 बार स्कोर इस पिच पर देखने को मिला है, 150-170 के बीच में 9 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 7 बार स्कोर है, 190 से ऊपर 6 बार स्कोर देखने को मिला है। पिच दोस्तों बॉलिंग पिच देखने को मिलेगी इस पिच पर, बॉलिंग ऑर्डर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाला है स्पिनर प्लस में पेसर्स। लेकिन स्पिनर्स के अकॉर्डिंग अगर सीवीसी ट्राई करके चलते हैं तो वो एक यूनिक कैप्टन वॉइस कैप्टन खिलाड़ी देखने को मिलता है। बात करेंगे रीसेंट मुकाबलों के बारे में। रीसेंट 2024 में पहला T20 मुकाबला इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया था और यहां पर इंडिया की टीम ने पहला T20 मुकाबला हारा है इस पिच पर, और यहां से जिम्बाब्वे का होम ग्राउंड है तो जिम्बाब्वे की टीम इस पिच पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। इस मैच में दोस्तों 11 विकेट स्पिनर्स को ने निकाली थी और 7 विकेट पेसर्स को मिली थी। उसके बाद 2023 में 3 T20 मुकाबले खेले गए थे आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में, और इस मैच में 2 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 9 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली थी, और यहां पर मैच को विन करके गई आयरलैंड की टीम। उसके बाद जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच में मुकाबला खेला गया 4 विकेट स्पिनर्स को और 6 विकेट पेसर्स को। फिर आयरलैंड जिम्बाब्वे के बीच में तीसरा T20 मुकाबला, इसमें जिम्बाब्वे की टीम ने मैच को विन किया था, 12 विकेट पेसर्स को मिली थी और 5 विकेट स्पिनर्स को मिली थी। यानी कि पिच की कंडीशन के हिसाब से बात करें 2023 में बढ़िया बैटिंग इस पिच पर देखने को मिली थी, लेकिन रीसेंट वाले मैच में यहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 115 रन का टारगेट रखा, चेस करती हुई इंडिया की टीम 102 रन पे ऑल आउट 19.5 ओवर में। बाकी यहां से जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करके गई है 2023 में आयरलैंड के खिलाफ, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहां से देखने को मिला है, यानी कि जिम्बाब्वे की टीम अपने होम ग्राउंड पे काफी बढ़िया बॉलिंग भी करवाती हुई नजर आएगी और ठीक ठाक बैटिंग ऑर्डर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड के अनुसार कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। हेड टू हेड के लास्ट के जो 9 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें इंडिया की टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं, जिम्बाब्वे की टीम ने 2 मुकाबले विन किए हैं। रिसेंट में यहां पर जिम्बाब्वे की टीम मैच को विन करके आ रही है और इंडिया की टीम रिसेंट में मुकाबला हार के आ रही है।
आई है। रिसेंट में पहला T20 मुकाबला यहां से जिम्बाब्वे की टीम ने विन करके रखा है। सेकंड मुकाबला इंडिया की तरफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। बात करेंगे यहां से प्लेइंग 11 के बारे में, तो यहां से रिसेंट वाले मैच में सिकंदर रजा ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। क्या आज के मैच में ये खिलाड़ी फिर से ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनशिप में, या फिर यहां पर ओपनिंग बैट्समैन में कोई खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है? बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो ओपनिंग बैट्समैन रिसेंट वाले मैच में फ्लोप है, उसके साथ यहां पर मुजरबानी को ट्राई करके चलना है, या फिर लुक जोंगवे आपकी टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा? बात करेंगे इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन की बात करेंगे, वैसले रिसेंट वाले मैच में 21 रन के साथ परफॉर्मेंस करके गया, उसके बाद 14 रन 9 रन 0 विकेट, 25 रन 2 रन 1 विकेट, हेड टू हेड में दो मुकाबले खेले हैं, दो मैचों में 21 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, 10 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे 5 विकेट है, 25 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, T20 फॉर्मेट में 13 विकेट है और 20 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। उसके साथ इनकरेक्ट रिसेंट में फ्लोप 6 रन 0 विकेट, 46 रन 5 रन, फिर यहां से 5 रन 15 का एवरेज स्कोर T20 फॉर्मेट में, हेड टू हेड में फ्लोप है, ग्राउंड पे 20 का एवरेज स्कोर है। तो यहां से ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो वैसले को आप ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि पिच पे काफी बढ़िया एवरेज स्कोर है, 19 मुकाबले खेले हैं और 25 का एवरेज स्कोर है, यानी कि 25 रन भी अगर ये खिलाड़ी निकालता है तो ये आपकी टीम में लगभग ड्रीम टीम में देखने को मिल जाएगा और पहला आपका ड्रीम प्लेयर यहां से सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहां से ओपनिंग बैट्समैन में से इस खिलाड़ी को ट्राई करने वाला हूं। उसके साथ यहां पर ब्रेन रिसेंट वाले मैच में 22 रन प्लस में 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करके गया था और मैंने इस खिलाड़ी के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताया था कि यह खिलाड़ी आपकी टीम में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी का काम करेगा, क्योंकि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में यह खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके आ रहा है। हर मैच में इस खिलाड़ी ने विकेट निकाली है, नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर है और हर मैच में आपको नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर ट्रंप कार्ड खिलाड़ी जरूर देखने को मिलता है। तो यहां से 22 रन प्लस में 1 विकेट, 70 रन 2 विकेट, 0 रन 2 विकेट, उसके बाद 5 रन, फिर यहां से 44 रन नाबाद इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला जिसमें 22 रन के साथ परफॉर्मेंस, प्लस में 1 विकेट, ग्राउंड पे 2 विकेट है, 12 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, T20 फॉर्मेट में 6 विकेट है और 25 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। उसके साथ सिकंदर रजा रिसेंट वाले मैच में 17 रन प्लस में 3 विकेट, उसके बाद 36 रन नाबाद प्लस में 0 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 43 रन 0 विकेट, फिर यहां से 34 रन के साथ परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में 6 मुकाबले खेले हुए हैं, 90 रन है, 4 विकेट है, 14 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे 10 विकेट, 23 का एवरेज स्कोर बैटिंग से और T20 फॉर्मेट में 63 विकेटें इस खिलाड़ी ने निकाली है, 25 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। ये खिलाड़ी आपकी टीम का सेफ कैप्टन वॉइस कैप्टन देखने को मिल जाएगा। सिकंदर रजा का हाई सिलेक्शन आपको हर मैच में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ मायरस रिसेंट वाले मैच में 23, फिर 3 रन 1 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर यहां से 26 रन, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था जिसमें 23 रन के साथ परफॉर्मेंस किया और ग्राउंड पे 4 मुकाबले, 24 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, T20 फॉर्मेट में 18 का एवरेज स्कोर है। तो यहां से पिच की कंडीशन के हिसाब से बात करें तो पिच बॉलिंग पिच देखने को मिलेगी, ऑलराउंडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके देंगे और बॉलिंग सेक्शन आज के मैच में फिर से आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा और बॉलिंग सेक्शन में ही कैप्टन वॉइस कैप्टन देखने को मिलेगा। उसके साथ यहां पर चैम्पबेल रिसेंट में फ्लोप है, फिर 8 रन नाबाद, फिर 31, फिर यहां से 45 रन, हेड टू हेड में फ्लोप है, ग्राउंड पे 0 विकेट और T20 फॉर्मेट में 30 का एवरेज स्कोर है। टोटल 5 मुकाबले खेले हुए हैं और इस खिलाड़ी की बैटिंग कंफर्म देखने को मिलेगी, लेकिन रिसेंट वाले मैच में लगातार फ्लोप ही है। उसके साथ बात करेंगे स्लिव रिसेंट वाले मैच में 29 रन नाबाद, फिर बैटिंग नहीं, 12 रन 11 रन 0 रन, उसके बाद 43 रन, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था जिसमें 29 रन के साथ परफॉर्मेंस किया, विकेट कीपर ऑप्शन है, ग्राउंड पे 8 मैच खेले हुए हैं, 154 रन है, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से और 18 का एवरेज स्कोर T20 फॉर्मेट में। उसके साथ लुक जोंगवे रिसेंट वाले मैच में 1 रन प्लस में 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस करके आ रहा है, उसके बाद 1 विकेट, फिर 1 रन 3 विकेट, फिर यहां से फ्लोप, फिर यहां से 2 विकेट, हेड टू हेड में एक ही विकेट है, ग्राउंड पे 19 मैचों में 27 विकेट है, यानी कि काफी एक्सपीरियंस बॉलर देखने को मिलेगा। और आज के मैच में फिर से मैं इस खिलाड़ी की एक विकेट यहां पर आपको बता देता हूं कि एक विकेट ये खिलाड़ी कंफर्म निकालने वाला है। T20 फॉर्मेट में 66 विकेट है और 15 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ विलिंगटन रिसेंट वाले मैच में फिर से 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस है, क्योंकि लगातार यहां पर 1 विकेट के साथ बाकी मैचों में फ्लोप ही है, तो कंटिन्यू इस खिलाड़ी ने 1-1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया हुआ है। हेड टू हेड में 2 मुकाबले खेले हुए हैं, 1 विकेट है, ग्राउंड पे 12 विकेट है और T20 फॉर्मेट में 40 विकेट है। ब्लीसिंग मुजरबानी रिसेंट के लगातार मैचों से परफॉर्मेंस करके आ रहा है, 1-1 विकेट, 2-2 विकेट, हेड टू हेड में इस खिलाड़ी ने 2 ही मुकाबले खेले थे, 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस, ग्राउंड पे 16 विकेट और यहां से 61 विकेट निकाल चुका है T20 फॉर्मेट में। तो विलिंगटन बलस में ब्लीसिंग मुजरबानी दोनों में से एक बॉलर जरूर पिक करके चलना है। अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले बॉलिंग करती है तो इन बॉलर में से जरूर आप
आपको एक खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ तेंदई रिसेंट वाले मैच में 3 विकेट, फिर कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लोप, पिच पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, 12 मैचों में 16 विकेट है ग्राउंड पे, और हेड टू हेड में 4 विकेट निकाली हुई है, T20 फॉर्मेट में 65 विकेट इस खिलाड़ी ने अभी तक निकाली है। तो ये दोस्तों फाइनली आपको जिम्बाब्वे के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से जिम्बाब्वे के बॉलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे के जितने भी बॉलर हैं इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। तो यहां से स्टार्टिंग के ओवर यहां पर ब्रेन करवाते हुए नजर आएगा, जो कि नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर है, ऑलराउंडर में सेलेक्ट करके चलना है, और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी देखने को मिल सकता है। उसके साथ विलिंगटन, उसके साथ तेंदई ब्लीसिंग मुजरबानी, और डेथ में यहां पर तेंदई ब्लीसिंग मुजरबानी सिकंदर रजा और लुक जोंगवे, ये 4 बॉलर डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के 4 खिलाड़ी स्टार्टिंग के ओवर करवाते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं बेंच प्लेयरों के बारे में। टोटल दोस्तों यहां से 6 बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे। रिचर्ड नगरवा है, उसके साथ ब्रेडन है, तो यहां से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनली अपडेट होता है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, कि इंडिया के रिसेंट वाले जो मैचेज हुए हैं उसमें कौन सा खिलाड़ी किस प्रकार का परफॉर्मेंस करके आ रहा है, पहला T20 मुकाबले में किस खिलाड़ी ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहां से सुंदर प्लस में रवि बिश्नोई दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, और यहां से फ्लोप खलील अहमद देखने को मिला था। बात करें अगर प्लेइंग 11 के बारे में, ओपनिंग बैट्समैन शुभमन गिल, उसके साथ यहां पर अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रेयान पराग और रिंकू सिंह, फिर यहां से ध्रुव जुरैल, फिर यहां से सुंदर, रवि बिश्नोई और आवेश खान, मुकेश कुमार और खलील अहमद, ये प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी इंडिया की टीम की तरफ से। बात करेंगे इनमें से हमें किस किस खिलाड़ी को ट्राई करके चलना है, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में ट्रंप प्लेयर होगा। तो सबसे पहले शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। रिसेंट वाले मैच में 31 रन का परफॉर्मेंस, फिर यहां से 104 रन, 2 रन, 16 रन, फिर यहां से 6 रन के साथ परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला हुआ है जिसमें 31 रन के साथ परफॉर्मेंस किया, ग्राउंड पे भी 31 रन है, T20 फॉर्मेट में 25 का एवरेज स्कोर है, टोटल 15 मुकाबलों में 366 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। शुभमन गिल की बात करें तो रिसेंट वाले मैच में ओनली 31 रन का परफॉर्मेंस किया, बाकी के जो मिडल ऑर्डर है वे लगभग फ्लोप ही देखने को मिले थे, कंटिन्यू यहां से विकेट निकलती गई। अभिषेक शर्मा ने T20 फॉर्मेट में डेब्यू किया था जिसमें 0 रन के साथ परफॉर्मेंस किया और 0 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली है, हेड टू हेड में फ्लोप है, ग्राउंड पे फ्लोप है, बाकी रिसेंट के मैच में एक मैच में हाईएस्ट 66 रन, बाकी 12 रन प्लस में 2 विकेट, बाकी के 2 मैचों में ये खिलाड़ी फ्लोप है। उसके साथ यहां से ऋतुराज गायकवाड़ रिसेंट वाले मैच में 7 रन के साथ परफॉर्मेंस, फिर यहां पर 0 रन, 42 रन नाबाद, फिर फ्लोप है, फिर यहां से 32 रन का परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में एक मुकाबला, 7 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं, ग्राउंड पे भी 7 रन है, 33 का एवरेज को T20 फॉर्मेट में। तो लगभग यहां से गायकवाड़ की बात करें तो नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर रहेगा और आज के मैच का ट्रंप प्लेयर है, लगभग पिक करके चलना है। उसके साथ रियान पराग रिसेंट वाले मैच में 2 रन, फिर 6 रन, 36 रन, 48 रन, 47 रन नाबाद, डेब्यू इस खिलाड़ी ने भी T20 फॉर्मेट में किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ जिसमें फ्लोप ही देखने को मिला था, 2 रन के साथ परफॉर्मेंस किया, हेड टू हेड वेन्यू और T20 फॉर्मेट में एक ही मुकाबला खेला हुआ है। तो रियान पराग को भी लेके चलना है क्योंकि ये भी खिलाड़ी आपकी टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा। उसके साथ बात करेंगे रिंकू सिंह के बारे में, यहां पर रिसेंट वाले मैच में 0 रन, फिर लगातार 3 मैचों में बैटिंग देखने को नहीं मिली, 20 रन, 16 रन, 9 रन, उसके बाद 11 रन, हेड टू हेड में एक मुकाबला, 0 रन के साथ परफॉर्मेंस, ग्राउंड पे 0 रन, 71 का एवरेज स्कोर, T20 फॉर्मेट में है, 16 मुकाबले खेल चुका है। ध्रुव जुरैल विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट में 7 रन, 56 रन नाबाद, 8 रन, 0 रन, 28 रन, हेड टू हेड में एक मुकाबला, फ्लोप है, ग्राउंड पे फ्लोप है, और T20 फॉर्मेट में डेब्यू किया जिसमें 7 रन के साथ परफॉर्मेंस किया। तो इंडिया के जो ओपनिंग बैट्समैन है शुभमन गिल प्लस में अभिषेक शर्मा दोनों खिलाड़ी लेके चल सकते हो, उसके साथ साथ गायकवाड़ को लेके चलना है क्योंकि नंबर 3 का खिलाड़ी हमेशा आपकी टीम का ट्रंप प्लेयर होगा। उसके साथ साथ यहां पर रिंकू सिंह प्लस में यहां से रेयान पराग दोनों में से एक खिलाड़ी जरूर पिक करके चलना है क्योंकि एक खिलाड़ी कंफर्म आपको ड्रीम टीम में देखने को मिलेगा। उसके साथ यहां पर सुंदर आपकी टीम का यूनिक कैप्टन वॉइस कैप्टन देखने को मिल सकता है, रिसेंट वाले मैच में 27 रन प्लस में 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर 3 विकेट, फिर यहां से फिर से फ्लोप, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला हुआ है जिसमें 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया, ग्राउंड पे भी 2 विकेट है, 36 विकेट यहां पर T20 फॉर्मेट में। रवि बिश्नोई जो कि रिसेंट वाले मैच में 4 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया था, हेड टू हेड में 4 विकेट, ग्राउंड पे 4 विकेट, T20 फॉर्मेट में 40 विकेट यहां पर रवि बिश्नोई ने निकाली हुई है। तो ये खिलाड़ी आपकी टीम का फिर से यूनिक वॉइस कैप्टन देखने को मिल सकता है अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करवा रही है तो। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप बिश्नोई को कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करके मत चलना क्योंकि इसकी जगह फिर आप या तो आवेश खान या फिर मुकेश कुमार दोनों में से कोई भी एक बॉलर को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। आवेश खान
पाकिस्तान रिसेंट के लगातार मैचों से परफॉर्मेंस करके आ रहा है, हेड टू हेड में एक विकेट, ग्राउंड पे एक विकेट, टी20 फॉर्मेट में 20 विकेट। मुकेश कुमार लगातार परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में एक ही विकेट है, ग्राउंड पे भी एक विकेट है, टी20 फॉर्मेट में 13 विकेट यहां से मुकेश कुमार ने निकाली हुई है। तो यहां से आवेश खान, मुकेश कुमार दोनों बॉलर आपकी टीम में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनल बॉलर यहां पर खलील अहमद, रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, फिर बाकी हर मैच में परफॉर्मेंस एक दो और दो विकेट के साथ, हेड टू हेड में फ्लॉप, ग्राउंड पे फ्लॉप, टी20 फॉर्मेट में 13 विकेट यहां पर खलील अहमद ने निकाली हुई है। तो यहां पर बॉलिंग सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पिच बॉलिंग की पिच देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों फाइनली आपको इंडिया के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर खलील अहमद, उसके साथ मुकेश कुमार, फिर रवि बिश्नोई, डेथ में आवेश खान, मुकेश कुमार, सुंदर और रवि बिश्नोई, ये चार बॉलर डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के तीन खिलाड़ी स्टार्टिंग के ओवर लेके आएंगे। बाकी यहां पर बेंच प्लेयरों की बात करें तो बेंच प्लेयर में टोटल चार बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे, हर्षित राणा है, तुषार देशपांडे है और सुदर्शन है और जितेश शर्मा है। टोटल चार बेंच प्लेयर में से सुदर्शन अगर खेलता है, जो कि रिसेंट के मैचेस अगर देखोगे तो खतरनाक परफॉर्मेंस है, 103 रन यहां पर फ्लॉप, 84 रन नाबाद और यहां से 65 रन, फिर उसके बाद 31 रन। ये खिलाड़ी भी डेब्यू करेगा टी20 फॉर्मेट में और 43 मुकाबले खेले हुए हैं जिसमें 40 का एवरेज स्कोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस खिलाड़ी का देखने को मिला है, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगर ये खिलाड़ी खेलता है तो कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में जरूर पिक करके चलना है। तुषार देशपांडे कंटिन्यू विकेट लेके आ रहा है, हर्षित राणा के पास भी कंटिन्यू विकेट हैं। बाकी इनमें से कोई भी खिलाड़ी अगर खेलेगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात करेंगे फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में, तो यहां से बिली सिंह, मुजरबानी, सिलिव, सिकंदर राजा और ब्रेन, टोटल चार खिलाड़ी हैं जिनका हाई सिलेक्शन जिम्बाब्वे की टीम से देखने को मिलेगा। अभिषेक शर्मा, उसके साथ साथ बिश्नोई, आवेश खान और यहां से शुभमन गिल, ये चार खिलाड़ी इंडिया की टीम से हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। जोंगवे और तेंदई दो खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे जिनका जिम्बाब्वे की तरफ से लो सिलेक्शन है, और सुंदर और मुकेश, इन दो खिलाड़ियों का इंडिया की तरफ से लो सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और मेरी जो आज की फाइनल फैंटेसी टीम देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से है। विकेट कीपर ऑप्शन यहां पर मैंने जिम्बाब्वे का ही पिक करके रखा है, वॉइस कैप्टनशिप में यहां पर गायकवाड को पिक करके रखा है, कैप्टनशिप में मैंने फिर से यहां से जो पिक किया है रवि बिश्नोई को, सेकंड टीम में वीसी मेरा जो ट्राई करने वाला हूं यहां से आवेश खान, और कैप्टनशिप में पिक किया है अभिषेक शर्मा को। अगर यहां से इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो कैप्टनसी में या तो आप अभिषेक शर्मा को ट्राई करके चलना, या फिर दोस्तों आप यहां से गायकवाड को सीवीसी में ट्राई करके चल सकते हो। सुंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ऑलराउंडर ऑप्शन है, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में यूनिक कैप्टन देखने को मिलेगा। सिकंदर राजा आपकी टीम का एक सेफ कैप्टन है, और यहां से मैंने ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी ऐड किया है रियान पराग को, मुकेश कुमार है, खलील अहमद है, आवेश खान है, ये मेरी नंबर एक की फाइनल फैंटेसी टीम देखने को मिलेगी। और सेकंड टीम में यहां पर आप बिली सिंह, मुजरबानी को जरूर पिक करके चलना, और एक दो स्पिनर जरूर ऐड करके चलना यहां से जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से। बाकी जो फाइनल यूनिक ग्रैंड लीग टीम के कॉम्बिनेशन की बात करें तो नंबर एक पे तो आपको ट्रंप कार्ड खिलाड़ी रियान पराग देखने को मिल जाएगा, सुंदर आपके टीम में यूनिक कैप्टन वॉइस कैप्टन जरूर देखने को मिलेगा, खलील अहमद का लो सिलेक्शन है क्योंकि रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप था, लेकिन आप इस खिलाड़ी को लेकर चलना। और कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी में यहां से आवेश खान और मुकेश कुमार दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों खिलाड़ी ट्रंप कार्ड खिलाड़ी भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेरी आज की दो फाइनल फैंटेसी टीमें देखने को मिलेंगी, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।